नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित मंडलोई और स्वागत है आप सभी का महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन मंच पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अवार्ड्स के जो करंट अफेयर्स हैं इस साल के और उससे रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में हम कल भी चर्चा कर रहे थे। तो आज के अवार्ड्स हम देखेंगे जिसमें हम ऑस्कर के रिलेटेड अवार्ड्स या फिल्म संबंधित अवार्ड्स हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया, फिर मध्य प्रदेश के कुछ फेमस अवार्ड्स जो मिले हैं इस साल उसके बारे में देखेंगे। तो ऐसे कुछ अवार्ड्स के बारे में और कुछ मिसलिनियस अवार्ड्स, एनवायरमेंट के संबंधित अवार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंधित अवार्ड, ऐसे कुछ अवार्ड्स भी हम आज देखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे। एक मिनट का समय लेंगे ताकि आपके कुछ सहपाठी छात्र भी जुड़ जाएं। गुड मॉर्निंग कमलेश जी, गुड मॉर्निंग अखिलेश जी, चलिए आज का जो पहला अवार्ड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिल्म रिलेटेड अवार्ड्स में सबसे पहला अवार्ड, दैट इज ऑस्कर, ऑस्कर पुरस्कार। 2023 का जो ऑस्कर पुरस्कार है, जो इस अवार्ड का 95th एडिशन दिया गया है, ये किसे किसे दिया गया है? तो देखिए, सबसे पहले बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इस पिक्चर को अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है डेनियल क्वान और डेनियल सिनेटर को सिनेट को मिला है। इसके बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रेडन फ्रेजर को मिला है द व्हेल पिक्चर के लिए। तो ये कुछ फेमस अवार्ड्स अवार्डीज हैं जो इस साल मिले हैं, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर। कुछ और भी जानकारी हम इस अवार्ड के बारे में ले लेते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल को मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, इंडिया की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि ये इंडिया पे बेस्ड जो है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनी है। और किस पर बेस्ड है ये? एक कपल पर बेस्ड है, जो साउथ इंडिया का कपल है, बोमन एंड बिली। इस कपल ने साउथ इंडिया में एक बेबी एलिफेंट के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया और बेबी एलिफेंट का नाम है रघु। और इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की जो डायरेक्टर रही हैं वो है कार्तिकी गोंजाल्विस। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड इंडिया की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स को मिला है, जिसमें बोमन और बिली की कहानी बताई गई है, जिस तरीके से उन्होंने एक बेबी एलिफेंट रघु के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। और ये फिल्म की डायरेक्टर हैं कार्तिकी गोंजाल्विस। काफी ज्यादा चर्चा में भी रही थी, थोड़ा समय बाद विवाद भी इस पे हुआ था इन दोनों कपल्स के बीच में और डायरेक्टर के बीच में, और ऑस्कर मिला है इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है। एक और अवार्ड देखिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, आरआरआर फिल्म के लिए नाटू नाटू जो सॉन्ग है आरआरआर पिक्चर का, उस पिक्चर के सॉन्ग को भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। और इसके कंपोजर्स को अवार्ड मिला है। बेसिकली कंपोजर कौन है? एम एम किरावनी एंड चंद्र बोस। नाटू नाटू, तो नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, इस बार हमको दो अवार्ड मिले, एक तो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का, एक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का, नाटू नाटू आरआरआर पिक्चर से एमएम किरावनी और चंद्र बोस इसके कंपोजर हैं, इन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये ऑस्कर के, इस साल के ऑस्कर के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी। गुड मॉर्निंग अलंकृत जी, आखिरत जी, गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र जी। चलिए थोड़ा और इस अवार्ड के बारे में जानते हैं। ये अवार्ड जो है 16th of May 1929 को स्टार्ट हुआ और ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड इन सिनेमा। किसको किसको दिया जाता है? निर्देशकों को दिया जाता है, अभिनेताओं को दिया जाता है, लेखकों को दिया जाता है उनकी उत्कृष्टता के लिए, एक्सीलेंस के लिए। ठीक है, डायरेक्टर्स, फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स, राइटर्स, इनको दिया जाता है। दिस अवार्ड इज ऑर्गेनाइज एनुअली बाय द अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ये अवार्ड।
कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? 24 कैटेगरीज में दिया जाता है, जिनमें से कुछ फेमस कैटेगरीज, 6 कैटेगरीज हमने आज देखी इस साल के अवार्डीज की। 24 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट अवार्ड है रिलेटेड टू सिनेमा। पुरस्कार विजेताओं को एक स्वर्ण प्रतिमा की एक प्रति दी जाती है। ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है किसके द्वारा? अभी बताया हमने, एकेडमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट रिफर्ड टू एज ऑस्कर। इसे आधिकारिक तौर पर अकादमी अवार्ड मेरिट के रूप में जाना जाता है और कॉमनली इसे ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ऑफिशियली इसे किसे किस नाम से जाना जाता है? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस, अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, इसके द्वारा दिया जाता है। कॉमनली ऑस्कर बोलते हैं लेकिन ऑफिशियली इसका नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के रूप में ऑफिशियल तौर पर जाना जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट अवार्ड है, 24 कैटेगरी में दिया जाता है। इस साल हमारे यहाँ के दो अवार्ड ही आपको ध्यान रखने चाहिए, एक है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए उनकी डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्वेस को, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के कंपोजर जो है उसके लिए दिया गया है MM किरावनी और चंद्र बोस को यह अवार्ड दिया गया है। नाटू नाटू के लिए यह अवार्ड इनको मिला है। RRR फिल्म का ये गाना है, बहुत चर्चित रहा। चलिए इसके अलावा कुछ और डिटेल्स हम ऑस्कर की पास्ट में जो रेसिपिएंट्स रहे उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक पहले एक अवार्ड मिल चुका है भानु अथैया को, ये 5 रेसिपिएंट है हमारे यहाँ के। किस लिए मिला था? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। इसके बाद एक अवार्ड KR रहमान को भी मिल चुका है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, गायकी के लिए। गुलजार साहब को मिल चुका है, गुलजार साहब को मिला था ये स्लम डॉग मिलियनेयर के गाने जे हो के लिए। तो ये 3 फेमस रेसिपिएंट्स और आप याद रखेंगे जो पास्ट में इनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट कुछ फिल्म संबंधित अवार्ड और देखते हैं। एक है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया वहीदा रहमान को, 20 का दिया गया आशा पारिक को और 19 का दिया गया रजनीकांत को। तो ये लेटेस्ट जो 3 साल के पास 3 अवार्ड हैं वो ये हैं, वहीदा रहमान, आशा पारिक और रजनीकांत, तीनों ही सुने हुए नाम होंगे आपके लिए। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज एन एनुअल अवार्ड गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार के द्वारा दिया जाता है। कब से चालू हुआ? 1969 से चालू हुआ, दादा साहेब फाल्के के जन्म के 100 साल पूरे होने के बाद यह अवार्ड चालू हुआ। चलिए, जो पहला अवार्ड दिया गया था, पहला अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था देविका रानी को, देविका रानी को पहला अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके बाद प्रेजेंटली दिस अवार्ड कैरीज 10 लाख और गोल्डन लोटस, 10 लाख रुपए मिलते हैं, गोल्डन लोटस मिलता है इस अवार्ड के चलते। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का, इसके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणबीर कपूर को, बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को। रणबीर कपूर को यह अवार्ड मिला है ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए सॉरी, और आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है R बाल्की को चुप पिक्चर के लिए। नेक्स्ट फिल्म संबंधित अवार्ड देखिए, नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेट्री, डायरेक्टर थे इसके R माधवन। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम, डायरेक्टर है सुजीत सरकार। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट अगेन फॉर गंगूबाई, और यह अवार्ड इन्होंने शेयर किया है कृति सनोन के साथ जिन्होंने मिमी पिक्चर में एक्टिंग की है। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन, गोदावरी पिक्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है निखिल महाजन को। तो 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है 2023 में ऑर्गेनाइज हुए। इस अवार्ड की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1954 में, और कौन देता है फिल्म समारोह
निदेशालय भारत का, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स इंडिया, द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू अ फिल्म इन इंडिया। किसी भी मूवी को जो हाईएस्ट अवार्ड मिलता है वो यही है भारत में। 76th केन्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, इसमें पाल्मे डी'ओर अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए जो दिया गया, दैट इज एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस, एक्टर एक्ट्रेस के अवार्ड जो दिए गए, कोजी याकुशो और मर्वे दिसदार को। बेस्ट डायरेक्टर त्रान अनहुंग, द पॉट, बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम है इनका। बेस्ट स्क्रीन प्ले मॉन्स्टर, रिटन बाय यूजी साकामोतो। समांता रुथ प्रभु, समांता रुथ प्रभु की शकुंतलम को बेस्ट इंडियन फिल्म अवार्ड दिया गया केन्स फिल्म फेस्टिवल में। समांता प्रभु की जो पिक्चर है शकुंतलम, शकुंतलम, उसको बेस्ट इंडियन फिल्म अवार्ड दिया गया है। बेस्ट इंडियन फिल्म अवार्ड इसी अवार्ड्स के अंतर्गत दिया गया। तो ये था 76 केन्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। इस अवार्ड की इंफॉर्मेशन देख लीजिए। इसका जो कार्यक्रम आयोजित होता है वो होता है केन्स फ्रांस में, लोकेशन केन्स फ्रांस। कब स्थापित हुआ था? 20 सितंबर 1946। और इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी के दौरान में ये स्टैब्लिश हुआ, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के रूप में ये स्थापित हुआ है ये पुरस्कार। 68 फिल्म फेयर अवार्ड्स, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया गंगूबाई काठियावाड़ी, बेस्ट डायरेक्टर का संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए अगेन, बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव को दिया गया बधाई हो पिक्चर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला अगेन फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए तीन अवार्ड मिले हैं 68 फिल्म फेयर अवार्ड में, एक बेस्ट फिल्म का, एक बेस्ट डायरेक्टर का और तीसरा बेस्ट एक्ट्रेस का। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया राजकुमार राव, फिल्म थी बधाई हो इसके लिए। चलिए, जो लोग जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे देखते हैं। 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ये भी फिल्म से संबंधित अवार्ड है, सिनेमा से संबंधित अवार्ड है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया द फेबल मैन, बेस्ट एक्ट्रेस का केट ब्लांचेट। इसके बाद बेस्ट एक्टर का ऑस्टिन बटलर, बेस्ट डायरेक्टर का स्टीफन स्पिलबर्ग, फेबल मैन के लिए दिया गया है ये भी। और बेस्ट सॉन्ग का नाटू नाटू अगेन फिल्म RRR। ये ध्यान रखेंगे हम कि 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इसे ही मिला है बेस्ट सॉन्ग का, और इस साल का ऑस्कर भी इसी सॉन्ग के लिए मिला है। कंपोजर है MM निरावनी। इसके बाद चंद्र बोस, ये इसके कंपोजर हैं। हमने ऑस्कर जब देखा उसके साथ में देखा ही, तो ये देखिए ऑस्कर के समय पर भी हमने यही चीजें देखी है, ये MM किरावनी और चंद्र बोस। तो ऑस्कर भी मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। और कौन सा अवार्ड मिला एक और? 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के लिए बेस्ट सॉन्ग का नाटू नाटू को ही मिला है, फिल्म है RRR। चलिए पुरस्कार की जानकारी देखिए। कौन अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस इन फिल्म एंड फेस्टिवल, कंट्री कहां पर ऑर्गेनाइज होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ 2022 का संस्करण। और बेस्ट फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड जिसे कहते हैं वो किसे दिया गया है? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। बेस्ट एक्टर का अवार्ड वाहिद मोबुशेरी नो एंड के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का डेनिला मरीन, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स की एक्ट्रेस है ये। यूनेस्को गांधी अवार्ड ये नेक्स्ट अवार्ड है। पायम इस्कंदरी ईरानी फिल्म नरगिस के निर्देशक को दिया गया। फोकस देश फॉक्स कंट्री, नॉट फोकस, गलत है, फॉक्स कंट्री का अवार्ड दिया गया फ्रांस को। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी, इसी अवार्ड्स के अंतर्गत जो भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है वो चिरंजीवी को दिया गया है। आप मेनली ये याद रखेंगे, इसके बाद आप ये याद रखेंगे दो तीन अवार्ड स्टार्टिंग के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एक रीडिंग लगाई जा सकती है। इनमें से भी सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मेन तो आप RRR याद रखेंगे कि 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिले हैं 2023 के, RRR को ऑस्कर भी मिला है इसलिए वजह से। चलिए 23rd आईफा अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स काफी चर्चा में रहे हैं। दृश्यम 2 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है,
बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को मिला विक्रम वेधा के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला अगेन गंगूबाई काठियावाड़ी। तो ये आलिया भट्ट को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, बेस्ट एक्ट्रेस के बहुत सारी जगह मिले हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और ये पिक्चर आप ध्यान रखेंगे निदेशक के साथ, क्योंकि तो बेस्ट निदेशक का भी अवार्ड मिला है पहले ने। डायरेक्टर आर माधवन रॉकेट्री के लिए द नंबी इफेक्ट। देखिए गंगूबाई काठियावाड़ी को कितने सारे अवार्ड आ गए हैं, अगर हम यहाँ देखें तो अगेन गंगूबाई काठियावाड़ी बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट, बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अगेन फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी, और एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी। तो यहाँ पर भी अवार्ड मिला है, आगे भी अवार्ड मिला है 23rd आईफा अवार्ड। तो बहुत सारे अवार्ड जो है वो गंगूबाई काठियावाड़ी और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, फेमस है, कभी पूछा जा सकता है। पुरस्कार की जानकारी देख लीजिए जरा, आईफा अवार्ड्स अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जो कि सामान्यतः आईफा अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर में भारतीय चलचित्र के योगदान के सम्मान स्वरूप में दिए अवार्ड दिए जाते हैं, रिकॉग्निशन टू इंडियन सिनेमास। चलिए नेक्स्ट अवार्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज स्वामीनाथन अवार्ड। ये अवार्ड जो हम देखने वाले हैं, अभी तक के हमने देखे फिल्म संबंधित अवार्ड, अब हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल संबंधित अवार्ड, पर्यावरण से जुड़े हुए अवार्ड्स। तो देखिए पर्यावरण से जुड़े हुए अवार्ड में सबसे पहले एमएस स्वामीनाथन अवार्ड, जो लेटेस्ट संस्करण दिया गया है वो विजय कुमार को दिया गया है, और ये अवार्ड जो है ये अवार्ड 2004 से चालू हुए हैं। किस लिए दिया जाता है? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। 2004 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड, विजय कुमार को इस साल का अवार्ड ये लेटेस्ट संस्करण जो है वो मिला है। अब देखिए ये भी याद रखिए एमएस स्वामीनाथन कौन है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं हमारे यहाँ पर, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के जनक हैं ये, इसीलिए इन्हीं के नाम के ऊपर ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। आगे देखते हैं अर्थ शॉर्ट प्राइज, अर्थ शॉर्ट प्राइज मीडिया कॉप कैंपस सिंगापुर में ऑर्गेनाइज हुआ, और कब से दिया जा रहा है? 2021 से दिया जा रहा है, 2021 से। हमारे लिए जो कंपनीज इंपॉर्टेंट है वो है एक्कीकॉन इंडिना, GRST, वाइल्ड एड मरीन प्रोग्राम, S4S टेक्नोलॉजी और भूमित्र। भूमित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय कंपनी है भूमित्र ग्लोबल, इसके फाउंडर हैं आदित्य, इसके फाउंडर हैं आदित्य। तो इसलिए ये अवार्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और शॉर्ट प्राइस 2021 से चालू हुआ है, भूमित्र के डायरेक्ट जो फाउंडर हैं दैट इज आदित्य, इनका नाम आप याद रखेंगे आदित्य एम। किस लिए दिया जाता है? 2030 तक के जो हमारे टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उनको पूरा करने के लिए जो भी कंपनी या जो भी इंडिविजुअल बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके लिए अर्थ शॉर्ट प्राइस दिया जाता है, उसी के लिए अर्थ शॉर्ट प्राइस दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अर्थ शॉर्ट प्राइस 2021 से चालू हुआ, हमारे यहाँ की एक कंपनी को इस साल का अवार्ड मिला है, ठीक है, जिसके फाउंडर है आदित्य एम। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये पुरस्कार 1987 से पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 2012 में आखिरी अवार्ड दिया गया सीमा एस रेडकर को 2012 में ये आखिरी अवार्ड दिया गया है। चलिए इसके बाद आप आ जाइए विटले पुरस्कार विटले फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है, ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर कंजर्वेशन की फील्ड में काम कर रही है, प्रकृति संरक्षण के लिए ब्रिटेन की संस्था विटले फंड फॉर नेचर के द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है। और 2023 का अवार्ड जो है हमारे यहाँ की महिला को मिला है शिवानी भल्ला, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है शिवानी भल्ला, ठीक है, शिवानी भल्ला को ये अवार्ड मिला है विटले पुरस्कार, इसलिए हमारे लिए अवार्ड इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मन बोरलॉग फील्ड प्राइज, इस साल का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड प्राइज जो है स्वाति नायक को मिला है। नॉर्मन बोरलॉग भी एग्रीकल्चर, ये अवार्ड भी एग्रीकल्चर से संबंधित है, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के लिए जाना जाता है और उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड चल रहा है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। इस साल का जो अवार्ड है वो स्वाति नायक को मिला है 2023 का। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण अवार्ड,
गोल्डन पीकॉक पर्यावरण अवार्ड 2023 का अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है। पर्यावरण संबंधित अवार्ड अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को अवार्ड दिया गया है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड, मध्य प्रदेश को अवार्ड दिया गया है। चौथा संस्करण है 2023 का, बेस्ट स्टेट फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है, बेस्ट स्टेट का अवार्ड जो है मध्य प्रदेश को मिला है फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स में, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी याद रखिए कि हमारे यहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर 100% टैप वाटर अचीव कर चुकी है, और साथ में इंदौर फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, फर्स्ट वाटर प्लस सिटी घोषित हो चुकी है। और इसीलिए इसी एफर्ट्स के चलते मध्य प्रदेश को फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद देखते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 अलेक्जेंड्रा कोराप को अवार्ड दिया गया। अलेक्जेंड्रा कोराप के अलावा भी कुछ लोगों को अवार्ड दिया गया है। इसे ग्रीन नोबल के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखेंगे। दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन नोबल, दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन नोबल। और कुछ अन्य व्यक्ति जिसे अवार्ड दिया गया है 2023 में, वो है जाफर किसी काया, किजल काया, तुर्की से है ये। इसके बाद मरजान, नॉट मरजान, इट इज चिवेका, चिलिक्वा, चिलिक्वा मुम्बा, ये तंजानिया, जाम्बिया की है, ये जाम्बिया से हैं। इसके बाद दलीमा सिललाही, ये इंडोनेशिया से हैं। डाइने विल्सन, डियाना विल्सन यूएसए से हैं। और एक और अवार्डी है टेरो मस्टोनेन, टेरो मस्टोनेन फिनलैंड से हैं। दिस अवार्ड इज ऑल्सो समटाइम टर्म्ड एज ग्रीन नोबल। दो अवार्ड्स हैं ऐसे जिन्हें ग्रीन नोबल कहा जाता है, एक ये है, एक और हम आगे अभी पढ़ेंगे, टेलर प्राइस, इन्हें ग्रीन नोबल का दर्जा प्राप्त है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मेन इनका नाम याद रखिए अलेक्जेंड्रा कोराप, इसके अलावा ये लोग भी हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया जा चुका है 2023 का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार कश्मीर की आलिया मीर को मिला है। आलिया मीर को 2023 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड, पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। भारत की पूर्णिमा देवी वर्मन को यह अवार्ड दिया गया है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही याद रखना चाहिए, पूर्णिमा देवी वर्मन वर्मन। चलिए आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित पुरस्कार। अभी तक व्यक्तिगत कैटेगरी में किसी को भी नहीं दिया गया है, संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। किसे दिया गया है? ओडिशा राज्य को दिया गया है। ओडिशा राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह दिया गया है। और लुंगलेई, लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को, ओडिशा स्टेट के जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इनको यह अवार्ड दिया गया है 2023 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। चलिए, तो ये भी आपदा प्रबंधन के फील्ड में
फेमस अवार्ड है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो कि संस्थागत श्रेणी में ओडिशा के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया। 2019 में पहली मर्तबा यह अवार्ड दिया गया था, 2019 में पहली मर्तबा अवार्ड दिया गया था। 51 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है संस्थागत कैटेगरी में, और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। 51 लाख इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी एंड 5 लाख इन इंडिविजुअल कैटेगरी। इंडिविजुअल कैटेगरी में अभी तक किसी को नहीं दिया गया, संस्थागत कैटेगरी में दिया गया 2023 का अवार्ड। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी मिल चुका है, बट हाँ आज तक किसी भी इंडिविजुअल को यह अवार्ड नहीं दिया। इंडिविजुअल में श्री कुमार, इस साल का अवार्ड तो इंडिविजुअल कैटेगरी में नहीं मिला, लेकिन इसके पहले 2020 में श्री कुमार मुन्नन सिंह को, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को और प्रोफेसर विनोद शर्मा को यह अवार्ड दिया जा चुका है पास्ट में। डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। 2022 का देखिए, संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया, और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को अवार्ड दिया गया, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2022 की अगर हम बात करें तो दोनों ही कैटेगरी में दिया जाता है। तो 22 का हमने देखा और 23 का हमने देखा, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताया कि 51 लाख रुपए का प्राइज मनी और 5 लाख का इंस्टीट्यूशनल व्यक्तिगत कैटेगरी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में, और 51 लाख का इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज जो है, ये पहली मर्तबा तो एमएस स्वामीनाथन साहब को दिया गया था, लेकिन 2022 का ये सिंथिया रोजन विक को दिया गया, और 2023 का हाइदी कोहन को दिया गया। ये दोनों अवार्ड 22 और 23 के विश्व खाद्य पुरस्कार इंपॉर्टेंट अवार्ड है एनवायरमेंट की फील्ड का एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये भी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं टेलर पुरस्कार, इसे भी ग्रीन नोबल के नाम से जाना जाता है। 2021 का टेलर पुरस्कार हमारे यहाँ के व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति को मिला था, पवन सुखदेव, साथ में इन्होंने शेयर किया था ग्रेचन डेली के साथ ये अवार्ड। 2022 का जो अवार्ड है सर एंडी हेन्स को मिला, और अभी वर्तमान का जो इसका संस्करण है 2023 का जो एडिशन है उसका ये अवार्ड दिया गया है डेनियल पॉली और राशिद सुमेला को। टेलर पुरस्कार एनवायरमेंट की फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, एनवायरमेंटल अचीवमेंट्स के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टेलर पुरस्कार 2021 का पवन सुखदेव और ग्रेचन डेली को, 22 का सर एंडी हेन्स, और 23 का जो है डेनियल पॉली और राशिद सुमेला को दिया गया है। 21 का इसलिए लिया है क्योंकि वहां पर एक भारतीय व्यक्ति को दिया गया था, और एमपीपीएससी पास्ट में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रख लेती है। तो ये यहाँ तक जो हमने जितने अवार्ड देखे ये सब पर्यावरण की कैटेगरी से संबंधित अवार्ड थे। अब जो हम देखने वाले हैं वो कुछ अन्य अवार्ड, जैसे साइंस की फील्ड में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, आरंभ हुआ था इसका 1954 में आरंभ हुआ था। ये हाईएस्ट मल्टीडिसिप्लिनरी अवार्ड है भारत का, बायोलॉजी केमिस्ट्री अर्थ एटमोस्फेयर ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेज इंजीनियरिंग साइंसेज मैथमेटिकल साइंसेज और मेडिसिन साइंसेस और फिजिक्स में 7 कैटेगरीज में दिया जाता है। ठीक है, इस साल के जो अवार्ड्स हैं उसमें देख लीजिए आप, बायोलॉजी में दिया गया है अश्विनी कुमार और मदिका सुभा रेड्डी को, केमिस्ट्री का दिया गया अकाटू बीजू और देवाव्रत मैती को, अर्थ एटमॉस्फेयर एंड प्लानिटरी साइंस का विमल मिश्रा, इंजीनियरिंग साइंसेस का दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार, मैथमेटिकल साइंस का अपूर्वा खरे और नीरज कयाल, मेडिकल साइंस का दिप्यामन गांगुली और फिजिक्स का भौतिकी का वसुदेव दास गुप्ता और अनिंद्य दास इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। ये लेटेस्ट एडिशन है, सारे नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक सरसरी निगाह से आप नाम देख लीजिए, और मेन तो अवार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखिए कि हाईएस्ट अवार्ड है हमारे यहाँ पर साइंस की फील्ड में, मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस की फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड है भारत का, 1954 से चालू हुआ, 7 कैटेगरी में दिया जाता है। चलिए अब आते हैं हम हमारे कुछ प्रमुख पुरस्कार, जो संगीत के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार तानसेन सम्मान पुरस्कार, 1980 में इसकी स्थापना हुई, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और 5 लाख रुपए कब से, अप्रैल 2022 से।
क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए अवार्ड दिया जाता है। 2021 और 2020 की जो है लेटेस्ट अवार्ड दिए गए हैं। 2021 के लिए अवार्ड दिया गया पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को, और 2020 का ये सम्मान दिया गया पंडित सतीश व्यास को। संतूर वादक हैं और पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जो है फ्लूट बजाते हैं, फ्लूट बांसुरी, और पंडित सतीश व्यास संतूर वादक है। 2020 का अवार्ड इन्हें मिला था। इसके बाद का कोई संस्करण अभी तक नहीं मिला है, कोई अवार्ड नहीं जारी हुआ। तो तानसेन सम्मान 80 में प्रारंभ हुआ, 5 लाख का अवार्ड दिया जाता है, ये याद रखेंगे। और 2022 में ये अवार्ड की जो राशि है वो बढ़ाई गई है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए दिया जाता है पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को, फ्लूट के लिए, बांसुरी के लिए, बांसुरी बजाने के लिए 2021 का अवार्ड दिया गया, और 2020 का पंडित सतीश व्यास को संतूर के लिए। देखिए, नेशनल लता मंगेशकर सम्मान, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 84 में, 1984 में एस्टैब्लिश हुआ, म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है। 5 लाख का प्राइज मनी है, 2022 से 5 लाख हो चुकी है प्राइज मनी। 2020 का आनंद मिलिंद को, 2021 का कुमार सानू को, और 2022 का उत्तम सिंह को। तो आनंद कुमार उत्तम, इस तरीके से याद रखिए, आनंद कुमार उत्तम, इन तीन को लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। आनंद कुमार उत्तम, इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है 2020, 21 और 22, क्रमशः इस तरीके से याद रखेंगे। 1984 में 5 लाख का प्राइज मनी। नेशनल तुलसी अवार्ड 1983 में प्रारंभ हुआ, ट्राइबल फोक और ट्रेडिशनल आर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है, और मेल आर्टिस्ट को ही दिया जाता है। 5 लाख रुपए का पुरस्कार है। 2021 के लिए दिया गया कालू राम बामनिया को, 2020 के लिए दिया गया तिलक राम पेंड्राम को, पेंड्राम को, और उसके बाद 2019 का जो उसके पहले जो मतलब 2019 में दिया गया डॉक्टर भारती बंधु को, रायपुर के हैं ये, इन्हें दिया गया है। तो 1983 में यह अवार्ड स्टैब्लिश हुआ है, ट्राइबल फोक और ट्रेडिशनल आर्ट के लिए दिया जाता है, 5 लाख की प्राइस मनी है। 2021 का कालू राम बामनिया, 2020 का तिलक राम पेद्राम, और 2019 का डॉक्टर भारती बंधु, इनको यह अवार्ड मिला है। शरद जोशी सम्मान 1992 में स्टैब्लिश हुआ, अवार्ड मनी वही 5 लाख चल रही है। सटायर व्यंग व्यंगात्मक शैली के लिए, ललित निबंध फाइन एसेज के लिए, और रिपोर्टेज के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। 2021 का अवार्ड दिया गया था श्री राम परिहार को, खंडवा से हैं ये, और 2020 का विजय मनोहर तिवारी, भोपाल से हैं ये, इन्हें ये अवार्ड दिए गए। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल कबीर अवार्ड 1986 में स्टैब्लिश हुआ, प्राइज मनी है वही 5 लाख, पोएट्री राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस की फील्ड में दिया जाता है। 2021 का अवार्ड दिया गया डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, यूपी के हैं ये, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, इन्हें अवार्ड दिया गया। और 2020 का जो अवार्ड है वो है मिस्टर मनोज श्रीवास्तव, भोपाल से हैं मनोज श्रीवास्तव, इन्हें यह अवार्ड दिया गया, 2020 का अवार्ड है। चलिए कबीर के बाद देखते हैं कुमार गंधर्व सम्मान 1992 में स्टैब्लिश हुआ, इसकी प्राइज मनी कम है, 2,51,000 है, दो ये भी अप्रैल 2022 से बड़ी है। किसे दिया जाता है? नेशनल आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्ट उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं को दिया जाता है। 2021 का सम्मान जो है सुश्री रुक्मणी विजय कुमार, और 2020 का सम्मान सुश्री स्मिता देवोप्रिया को दिया गया, स्मिता देवोप्रिया को 2020 का, और रुक्मणी विजय कुमार को दिया गया 2021 का। रुक्मणी विजय कुमार जो हैदराबाद से हैं, और स्मिता जी जो है वो थाने से हैं, मुंबई के पास।
खत्म। चलिए, किसी तकनीकी कारण के वजह से कुछ समय के लिए क्लास जो है रुक गई थी, पुनः स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम देख रहे थे मैथिली शरण गुप्त सम्मान। 1987 में स्थापना हुई, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 5 लाख रुपए का प्राइज है। सदानंद गुप्ता जो गोरखपुर से हैं, और सच्चिदानंद जोशी जो नई दिल्ली से, इन्हें ये अवार्ड दिए गए हैं। सच्चिदानंद जोशी और सदानंद गुप्ता, इन्हें ये अवार्ड दिए गए हैं 2021 और 2020 के क्रमशः। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, देवी अहिल्या सम्मान 1996 में स्थापना हुई, 5 लाख का अवार्ड दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? ट्राइबल फोक आर्ट और ट्रेडिशनल आर्ट के लिए, और वुमेन आर्टिस्ट को दिया जाता है। आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कला में सिर्फ महिलाओं के लिए अवार्ड दिया जाता है। 2020 का अवार्ड दिया गया था मालिनी अवस्थी को लोक गायिका के लिए लखनऊ से, और संजो बघेल जो भजन गायिका गायिका है, उन्हें ये अवार्ड दिया गया, जबलपुर से है ये संजो बघेल भजन गायक। और 2020 का मालिनी अवस्थी जो फोक सिंगर है, उन्हें अवार्ड दिया गया। राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर अवार्ड, राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2011 में स्थापित किया गया, 5 लाख का प्राइज मनी है। संगीत संस्कृति कला संरक्षण के क्षेत्र में काम कार्य करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है, ये इंडिविजुअल को नहीं, संस्थाओं को दिया जाता है। 21 में यह अवार्ड दिया गया सामदेव सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई, और 2020 का अवार्ड दिया गया अभिनव कला परिषद भोपाल। 21 का सामदेव सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई, और 2020 का इनोवेटिव आर्ट्स काउंसिल भोपाल को यह अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं, कालिदास सम्मान 1980 में इसकी स्थापना हुई, प्राइज मनी है 5 लाख की, 5 लाख का प्राइज मनी है जो अप्रैल 2022 से लागू हुआ। और किस 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 फील्ड में दिया जाता है? 4 कैटेगरी में दिया जाता है अलग अलग, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर और रूपंकर कला, डेकोरेटिव आर्ट्स। 21 का जो सम्मान लेटेस्ट एडिशन मिला है, अगर क्लासिकल म्यूजिक के लिए देखें तो ये मिला है बुद्ध आदित्य मुखर्जी को, कलकत्ता से हैं ये सितार वादक। शास्त्रीय नृत्य का मिला है पुरु धादीची को, इंदौर के कथक नृत्यकार हैं, तो इसका इनका नाम याद रखेंगे आप, डॉक्टर पुरु धादीच को कथक नृत्य के लिए। रूपंकर कला में दिया गया है वासुदेव कामत, पुणे से हैं। और रंगकर्मी राजीव वर्मा को यह अवार्ड दिया गया रंगकर्म थिएटर के क्षेत्र में, भोपाल से हैं, अभिनेता हैं, एक्टर हैं, भोपाल से बिलोंग करते हैं राजीव वर्मा। तो ये 4 कैटेगरी के अलग अलग अवार्ड हैं। ये अवार्ड जिसके बारे में जानकारी ले रहे थे, इसका नाम है कालिदास सम्मान, 80 में स्थापना हुई, 5 लाख का पुरस्कार दिया जाता है हर क्षेत्र में। तो 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं इसकी, चारों कैटेगरीज के अवार्ड ये आपके सामने। बुद्ध आदित्य मुखर्जी कलकत्ता से, शास्त्रीय नृत्य के केस में पूर्व दादीची कथक नृतक है इंदौर से है, वासुदेव कामत पुणे से हैं, चित्रकारी के रूप चित्रकार हैं, रूपंकर कला के लिए इनको अवार्ड मिला है, और रंग कर्म के लिए थिएटर के लिए राजीव वर्मा को जो भोपाल से हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया गया। तो दैट्स ऑल फॉर अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स फेमस फेमस कवर कर सकते थे हम, उतने फेमस अवार्ड्स हमने कवर करने का काम किया है। आई होप आपको ये सेशंस काम आए आपके प्रिलिम्स 2023 की तैयारी में। और जितने अवार्डीज और जितने अवार्ड्स मैंने बताए सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स में हमने बहुत सारे अवार्ड्स कवर करे, हाँ ये जो आखिरी में मिसलिनियस अवार्ड्स हमने कवर करे हैं, ये तो आपको सारे याद रखने हैं। राजा मानसिंह तोमर याद रखना है, देवी अहिल्या सम्मान याद रखना है, मैथिली शरण गुप्त और इकबाल सम्मान याद रखना है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, इसके पहले जो हमने पुरस्कार देखे हैं, खासकर हमने जो फिल्म से संबंधित और एनवायरमेंट से संबंधित पुरस्कार देखे, उसमें सारी सारी चीजें याद नहीं रखेंगे, मेनली वो याद रखेंगे कि जो भारतीय फिल्म को और जो भारतीय फेमस फिल्म्स को जो अवार्ड मिले हैं और कौन सा अवार्ड मिला है ये याद रखेंगे। जैसे ऑस्कर्स में भी सारे ऑस्कर्स याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में भी सारे सारे चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर आलिया भट्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, और इसलिए याद रखिएगा क्योंकि गंगूबाई काठियावाड़ी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ अवार्ड्स और कुछ कुछ फेमस रेसिपिएंट्स के नाम भी अगर आप याद रख पाए तो अच्छा रहेगा। जब भी याद ज्यादा करना हो तो कोशिश ये कीजिए प्रायोरिटी में बांट लीजिए। पुष्पेंद्र सोनी जी का सवाल है कि सर नोबल प्राइज के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। भाई साहब, नोबल प्राइज का जो लेक्चर है वो कल अपलोड हो चुका है, कल लाइव हो चुका है, आप यूट्यूब की लाइव डायरेक्टरी में जाके महात्मा गांधी चैनल की, उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए, मैं बता रहा था आपको कि जो ये पुरस्कार है, जहां पर भी ज्यादा डेटा हमको लगता है कि बहुत सारे नाम आ रहे हैं,
तो उसमें जो फेमस पर्सनालिटीज के नाम है वो आप याद रख लीजिए, पर हाँ घोटिए ऐसा कि वो नाम आपको एग्जाम में सीधा सीधा रिकॉल हो। आप सारी चीजें याद करने के चक्कर में कोई भी एक चीज परफेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वहां जाके कंफ्यूजन होता है। इसलिए कुछ याद रखिए लेकिन 100% याद रखिए उसको। और इसलिए ऐसा 100% बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अगर एग्जाम में ऑप्शंस आए तो एलिमिनेट करने के काम आ जाएगा। हो सकता है कि वो पुरस्कार सीधा सीधा ना पूछा जाए लेकिन ऑप्शंस में वहां पर आपको कुछ जाना पहचाना नाम मिल जाए और आप उसको एलिमिनेट कर जाएंगे। तो इसलिए अपनी क्षमताओं के अनुसार एक लिस्ट बनाइए कि हाँ इतने नाम मैं याद रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, उतने ही नाम पूरी तरह से कंठस्थ करने का प्रयास करें, बाकी नाम जो नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। साथ में ट्रिक बना करके याद करना ज्यादा आसान है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे मिसलिनियस पुरस्कारों में, देखिए अब ये 3 साल के याद रखने चाहिए हमको, 20, 21, 22, इसलिए 3 साल के मैंने भी दिए हैं। तो आप तीनों का एक एक नाम ले लीजिए। स्टार्टिंग का आनंद कुमार उत्तम को क्या मिला? लता मंगेशकर सम्मान। और क्रमशः याद रखेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखें तो आनंद को 20 का मिला, 21 का मिला कुमार को और 22 का मिला उत्तम सिंह को। पूरा पूरा नाम याद नहीं भी रहेगा तो हमको एलिमिनेट करने में और ऑप्शन लगाने में ये नाम काम में आ जाएंगे। तो जो 3-3 के जोड़े में उनको तीनों को एक साथ याद रखेंगे इस तरीके से, आनंद कुमार उत्तम एक ही नाम बना लिया हमने वो तीनों का। तो इस तरीके से ट्रिक बना करके भी, छोटी छोटी ट्रिक्स बना करके भी याद रख सकते हैं। ऐसी डिफिकल्ट ट्रिक्स मत बनाइएगा कि उन ट्रिक्स को घोटने के लिए ज्यादा समय लग जाए। स्मॉल स्मॉल चीजें, डायरेक्ट ट्रिक्स अगर याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आपसे अनुरोध है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही इस पहल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना ढेर सारा प्यार बरसाते रहिए। कल फिल्म मिलेंगे करंट अफेयर्स के कुछ अन्य टॉपिक्स के साथ, क्योंकि अवार्ड्स की जितनी चीजें हमको पढ़नी थी वो लगभग मेजर अवार्ड्स हमने फिल्म से संबंधित, साइंस से संबंधित, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कला और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान, और इसके बाद नोबेल प्राइज, इंटरनेशनल जो फेमस अवार्ड्स हैं एनवायरनमेंट संबंधित, ये सारे अवार्ड्स लगभग हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य रोचक जानकारी करंट अफेयर्स की, उसके साथ हम आपको मिलेंगे। और इस जो सेशन की PDF है वो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का सब्सक्राइब कर लीजिए। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहां पर आपको इसकी PDF भी रेगुलर बेसिस पे मिलती जाएंगी। तो धन्यवाद, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर 9 से 10 के बीच में।